नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम शिमला मिर्च आलू की सब्जी बनाएंगे। ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, तो आइए शिमला मिर्च आलू की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। शिमला मिर्च आलू की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू को काटेंगे। तो ये हमने 250 ग्राम आलू लिए हैं। चार आलू हैं मीडियम साइज के, इन्हें हम छील कर काट लेते हैं। तो आलू को पहले छील लेते हैं। ये आलू हमने छील कर तैयार कर लिए हैं। आलू छीलने के बाद एक बार फिर से धो लेते हैं और अब हम इन्हें काट लेते हैं। एक आलू के 8 टुकड़े कर लेते हैं, मीडियम साइज के टुकड़े कर लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं और बहुत ज़्यादा छोटे। सब्जी बनाने के लिए पैन गरम कर लेते हैं और पैन में हम 2-3 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। तेल को गरम होने देते हैं। हमने एक हरी मिर्च ली है, उसे मैं बारीक काट लेती हूँ। हरी मिर्च को अगर किचन कैंची से काटें तो बड़ी आसानी से कट जाती है। तेल गरम हो गया है, गैस थोड़ी धीमी कर देते हैं और तेल में हम 3/4 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 पिंच हींग डाल देते हैं और 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और ये हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मसाले को हल्का सा भूनेंगे। अब हम कटे हुए आलू डालेंगे, मिक्स करेंगे। अगर आप प्याज पसंद करते हैं तो एक प्याज बारीक काट लें और हींग जीरा डालने के बाद प्याज डाल करके हल्की सी गुलाबी होने तक भूनें और बिल्कुल इसी तरीके से सारे मसाले और आलू डाल करके मिक्स करें। ढक देते हैं हम और आलू को 5 मिनट पकने देते हैं। गैस धीमी रखेंगे। जब तक हमारे आलू पक रहे हैं हम ये शिमला मिर्च काट करके तैयार कर लेते हैं। शिमला मिर्च में हम जो अंदर के बीज होते हैं वो हटाएंगे निकाल करके, तो ये हम हटा देते हैं। डंठल भी हटा देंगे और शिमला मिर्च को थोड़े से बड़े पीसेस में काट लेते हैं। शिमला मिर्च हमने पहले से धोकर और पानी सूखने तक सुखा लिया। शिमला मिर्च हमने काट लिए, अब हम आलूओं को चेक कर लेते हैं। खोलते हैं और थोड़ा चला देते हैं। आलू हमने पहले इसीलिए पकाने के लिए रखे हैं क्योंकि आलू को पकने में थोड़ी सी देर लगती है, शिमला मिर्च बहुत जल्दी पक जाती है। तो ये हमने 5 मिनट में आलू को चला दिया और हम इन्हें 2-3 मिनट पकने देते हैं और तब तक मैं अदरक काट कर तैयार कर लेती हूँ। 3 मिनट हो गए हैं, आलू को चला देते हैं। तो हमने आलू को पहले पूरे 7-8 मिनट तक पका लिया है और अब हम डालेंगे शिमला मिर्च और नमक डाल देते हैं। 3/4 चम्मच नमक डाल रहे हैं हम, या स्वादानुसार नमक ले लेंगे, और 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। मिर्च अगर थोड़ी सी ज़्यादा खाना पसंद करें तो थोड़ी सी ज़्यादा ली जा सकती है। और 1 इंच अदरक को हमने बारीक काट लिया, ये भी डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं। ये हमने शिमला मिर्च, आलू, मसाले, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब हम सब्जी को 3-4 मिनट ढककर धीमी आग पर पकने देते हैं और तब तक हम सब्जी के लिए हरा धनिया काट कर तैयार कर लेते हैं। 3 मिनट हो गए हैं, सब्जी को चला देते हैं। सब्जी को थोड़ी थोड़ी देर में चलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारे तेल मसाले नीचे चले जाते हैं तो उन्हें हमें मिक्स भी करना होता है। फिर से हम 2 मिनट के लिए सब्जी को ढक देते हैं और हमारे पास एक टमाटर है, इसे भी हम फटाफट काट कर तैयार कर लेते हैं। ये हमने टमाटर काट लिया। 2 मिनट हो गए हैं, सब्जी को चला देते हैं। आलू को एक बार चेक कर लेते हैं। आलू दब रहे हैं
आलू पक गए हैं और शिमला मिर्च तो बहुत जल्दी पक जाती हैं, ये भी दिख रही हैं कि पक गई हैं। हम इसमें एक टमाटर डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, मिक्स कर देंगे। सब्जी में हम टमाटर की जगह हम चूर भी डाल सकते हैं। अगर हमें टमाटर नहीं डालना है तो एक तिहाई चम्मच अमचूर पाउडर की डालेंगे और मिक्स कर देंगे। लेकिन सब्जी में कोई भी खटाई वो सब्जी पकने के बाद ही डाली जाती है, अगर खटाई पहले डाल दें तो सब्जी बहुत देर में पकती है। 2 मिनट पकाएंगे बिल्कुल धीमी आंच पर। 2 मिनट हो गए हैं, सब्जी को चेक कर लेते हैं, चलाते हैं सब्जी को। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सब्जी पककर तैयार है। गैस बंद कर देते हैं और सब्जी को प्याले में निकाल लेते हैं। शिमला मिर्च आलू की सब्जी बनकर तैयार है, बहुत अच्छी सब्जी बनी है, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है। और सब्जी के ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालकर हम सब्जी की गार्निश कर देते हैं। शिमला मिर्च आलू की सब्जी को चपाती, पराठे, नान या चावल किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, और इतनी सब्जी परिवार के 3-4 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। तो आप शिमला मिर्च आलू की सब्जी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।